अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वाइल्ड रश। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक छोटे से एनिमल से, जो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है लेकिन इतना ज़्यादा जहरीला है कि अगर वो अपने स्टिंग से आप पे अटैक कर दे तो आपका बड़ा सा जिस्म जो है उस छोटे से स्टिंग की वजह से 2.5 दिन तक दर्द करता हुआ रह सकता है, और अगर आप 10 साल से छोटे हैं तो आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन एक अगर जवान बंदा है तो वो 2.5 दिन तक तड़पता रह सकता है। तो वो कौन सा एनिमल है उसके बारे में सारी मालूमात आपसे शेयर करूंगा। तो हम उस छोटे से एनिमल को ढूंढेंगे, उसको हाथ से पकड़ेंगे, उसके बारे में जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका फ़र्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है वो आपको बताऊँगा, किस तरह आप अगर हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, आपके पास टाइम कम है, आप कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करके एक बंदे को, एक पेशेंट को आप उसकी जान बचा सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो देखते रहिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आपको बताना चाहूँगा, हम जिस छोटे से एनिमल को ढूंढ रहे हैं वो है एरिजोना स्कॉर्पियन, मतलब के बिच्छू। पाकिस्तान में पाया जाने वाला एक आम बिच्छू है जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला है और बहुत सारे साल में बहुत सारे जो इंसान हैं उसके अटैक का शिकार होते हैं। तो मैं उसी बिच्छू को ढूंढ रहा हूँ, स्कॉर्पियन को, जो कि काश उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा, लेकिन मैं ढूंढ के रहूँगा। पूरी दुनिया में जो स्कॉर्पियन की स्पेशियस हैं उनकी इकसाम जो है वो 1500 के करीब हैं, लेकिन 1500 जो है वो जहरीली नहीं होती, उनमें से कुछ इकसाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीली हैं। उन्हीं में से हम जो एक है वो एरिजोना हेरी स्कॉर्पियन, उसी को ढूंढ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में पाया जाने वाला एक आम सा स्कॉर्पियन है। तो डेजर्ट में वो बहुत ज़्यादा आम तादाद में पाया जाता है, लेकिन वो निकलता रात में है, जो इस वक्त जो है दिन में वो किसी पत्थर के नीचे, किसी झाड़ी के नीचे, ज़मीन के अंदर छोटी सी जो दराड़ होती है उसके अंदर छुपे होते हैं। इसलिए अगर आपको उनके बारे में एग्जैक्ट पता है तो आप उनको ढूंढ सकते हैं। यही तो है जो हमें चाहिए, तो मिलिए। ये है एरिजोना हेरी स्कॉर्पियन, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये आपकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। मैं अभी इसको यहाँ से उठाऊँगा और किसी क्लियर सरफेस पे रखता हूँ, ताकि आपको इसके बारे में बाकी की जो डिटेल है वो क्लियर बता सकूँ। तो अभी मैं आपको इसको इस क्लिप से पकड़ने की कोशिश करूँगा, अगर ये पकड़ा जाए तो। तो ये रहा हमारा एरिजोना हेरी स्कॉर्पियन। अब मैं आपको इस स्कॉर्पियन के बॉडी पार्ट्स के बारे में बताऊँगा। ये जो आप इसके दो हाथ देख रहे हैं, ये इनको कहते हैं पिंजर, जिनसे ये अपने शिकार को पकड़ता है, और अपने इस फेस से, छोटा सा फेस है उसको, उसे खा जाता है। ये बहुत ही मजबूत होते हैं, एक बार जो इसका शिकार है इसके हाथ में आ जाए तो निकलना नामुमकिन है। बाकी इसके 4 pair of legs होती हैं, मतलब कि 8 टांगें। ये यहाँ से लेके ये इसका पेट है, और ये जो आप ब्लैक डॉट देख रहे हैं ये इसकी आँखें हैं, आँखों के नीचे बिल्कुल इसका दिमाग है। बाकी जो मेन चीज़ है जिससे हमें बचना है वो है इसकी ये ख़तरनाक डेंजरस टेल। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, ये इनको सेगमेंट कहते हैं, मेटासोमल सेगमेंट। और ये जो छठा सेगमेंट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वेनम बल्ब, इसके अंदर होता है जहर। और ये है इसका ख़तरनाक स्टिंगर पार्ट,
इसके थ्रू ये जो है अटैक करता है अपने शिकार पे, इंसानों पे। ये स्कॉर्पियन जो है ये अभी तकरीबन 3 इंच का है, मैक्सिमम साइज़ जो है ये 8 इंच तक जाते हैं। 8 इंच तक का स्कॉर्पियन जो है वो मैंने देखा है। बाकी इसके बारे में एक और मालूम बता दूं, जो फीमेल होती है वो 25 से 35 बच्चों तक को पैदा करती है, और ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के महीनों में बहुत ज़्यादा इनकी तादाद होती है। अब इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी मालूम बताता हूँ कि जब मेल और फीमेल मेट करते हैं आपस में तो ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का डांस करते हैं। कुछ इस तरह से होता है कि मेल और फीमेल जो है ये अपने पिंजर इस तरह से मिला के कुछ डांस करते हैं। तो अब मैं आपको इसके स्टिंग इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा कि जब ये किसी पे अटैक करता है तो उस पे क्या गुजरती है, किस किस्म की दर्द होती है। तो अटैक करने के फौरन बाद ही इतनी ज़्यादा शदीद दर्द होती है कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसकी जो वेनम होती है, जहर होती है, वो आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जो नर्वस ट्रांसमीटर होती है, ट्रांसमिट जो कि आपके दिमाग तक सिग्नल जा रहे होते हैं, ये उसको डैमेज कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी होता है और आपका बॉडी जो है वो पैरालाइज भी हो सकती है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि ये किस जगह पर पाए जाते हैं। ये खूबसूरत से छोटे से और ख़तरनाक किस्म के छोटे जो जानवर हैं, एनिमल हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये आपके घरों की जो दरारें होती हैं उसके अंदर, जहाँ पे कूड़ा क्रिकेट होता है वहाँ, और जहाँ जानवरों का गोबर होता है ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में पाए जाते हैं। और जो बहुत पुरानी किस्म की ईंटें होती हैं वहाँ पे तो ये बहुत ही तादाद में पाए जाते हैं, वहाँ पे सांप भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम वक्फे वक्फे से जो है अपने घर की, अपने गली मोहल्लों की सफाई करते रहें, ताकि इस तरह के ख़तरनाक किस्म के जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, छोटे एनिमल वगैरह हैं, वो पैदा ना हो सकें। आप ये देखें कि इसकी ग्रिप कितनी ज़्यादा मज़बूत है, इसने जो मेरे नाइफ़ को है बहुत ही मज़बूती के साथ ग्रिप कर रखा है। ये देखें, ये छोड़ने, अगर इसने मुझे एक बार अपने स्टिंग से अटैक कर लिया तो मेरा रोना शुरू। इसलिए आपका सामना अगर इससे हो तो आपने कोशिश करनी है कि इससे जितना ज़्यादा हो सके इससे दूर रहें। तो अब इसकी फ़र्स्ट एड के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अगर ये स्कॉर्पियन आप पे या किसी और पे आपने स्टिंग से अटैक कर देता है तो उसकी जो फ़र्स्ट ट्रीटमेंट है, आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि अगर कोई नज़दीकी आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके शहर में अगर कोई नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है तो आपने सबसे पहले वो प्रेफर करना है ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो उसके बावजूद आप अपनी या किसी और की जान किस तरह से बचा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और उसके जो हैं 5-6 तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी और अपने दोस्तों की, दूसरे इंसानों की जो है वो जान बचा सकते हैं, उनको तकलीफ़ से, शदीद तकलीफ़ से बचा सकते हैं। तो इसका जो फ़र्स्ट ट्रीटमेंट है होता है वो ये होता है कि जब ये किसी पे अटैक करता है तो बाज़ औक़ात इसका जो स्टिंग है वो उसी मरीज़ के अंदर रह जाता है। तो आपने क्या करना है, वो कोशिश करनी है कि किसी चीज़ से उस स्टिंग को रिमूव करें। उसके बाद एक ज़ेलोकाइन का इंजेक्शन होता है जो कि आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर से मिल सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि ज़ेलोकाइन जो इंजेक्शन है ये हमेशा आपके घर में मौजूद हो, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में जब कोई सांप आपको डस ले या स्कॉर्पियन आप पे अटैक कर दे तो ज़ेलोकाइन का जो इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर ये स्कॉर्पियन ने आप पे अटैक कर दिया है तो आपने 2 ml इंजेक्शन लेना है, भरना है, और जहाँ पे इस स्कॉर्पियन ने आप पे अटैक किया है बिल्कुल उसी जगह पर उस ज़ेलोकाइन इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देना है। ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो स्कॉर्पियन के काट डंक से नहीं, इसके अटैक से नहीं, इसकी दी हुई पेन से ही मर जाते हैं। तो ज़ेलोकाइन जो है वो आपकी पेन को कम करेगा। और दूसरा तरीका जो है वो होम्योपैथी का है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और वो अभी भी मेरे बैग में है। और वो क्या है, होम्योपैथी की एक दवाई होती है जिसको कहते हैं सलाशिया, वो बहुत ही कारामद होती है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। वो क्या करती है, अगर ये स्कॉर्पियन आप पे अटैक कर दे तो आपने क्या करना है, सलाइशिया के 2 ड्रॉप्स जो हैं अपनी ज़ुबान पे रखने हैं जब ये अटैक कर ले, 3 बार रखने हैं, 10-10 मिनट के वक्फे से आपने 2 ड्रॉप्स जो हैं अपनी ज़ुबान पे रखने हैं। इस तरह जो है वो आपकी पेन में बहुत ज़्यादा कमी होगी और आपकी जो है जान बच सकती है। सलाइशिया के बारे में मैं आपको एक और ज़्यादा बात बता दूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते होंगे, वो ये कि सलाइशिया के जो ड्रॉप्स होते हैं उनमें इतनी ताकत होती है कि अगर आपकी बॉडी में कोई गोली
घुस गई है 2 इंच तक, या कोई आपकी बॉडी में सुई नीडल या कोई कील वगैरह किसी तरह से रह गया है, कोई घुस गया है वो निकल नहीं रहा है, तो स्लाइशिया के जो ड्रॉप होते हैं आप वहाँ पे उसको गिराएं, तो वो लोहे की कोई चीज़ सुई नीडल कील या गोली वगैरह वो बाहर आ जाएगी। तो ये है स्लाइशिया की ताकत, होम्योपैथी की ताकत, जो कि मेरे ख्याल से आप नहीं जानते होंगे। तो तीसरा तरीका ये है, वो ये कि फटकड़ी भी मेरे बैग में हमेशा ही होती है, कि अगर ये आप पे या सांप आप पे अटैक कर देता है तो आपने क्या करना है, फटकड़ी को आग लगा के अपने ज़ख्म पे जो है उसके कतरे गिराने हैं। वो क्या करेगी, जो फटकड़ी है उसके कतरे जो हैं वो ऑटोमेटिक ही उस ज़ख्म पे वो है जो जम जाएंगे और जहर जो है वो चूस लेंगे, जहर जो है निकाल लेंगे और जो वो खुद ऑटोमेटिक ही आपकी बॉडी से अलग होके गिर जाएंगे। तो आपने फटकड़ी का ये जो तरीका है आपने 2 से 3 बार करना है कि अपने जो ज़ख्म है उस पर गिराते जाना है, या फटकड़ी को पानी में मिला के पानी से आपने उसकी टिकोर करनी है। तो ये था तीसरा तरीका। जो चौथा तरीका है वो ये है कि इमली के जो दाने होते हैं, इमली के जो बीज होते हैं, उसकी जो गुठली होती है, आपने अच्छी तरह से उसको पीसना है किसी पत्थर पे, किसी कुंडी में या किसी चीज़ से ग्राइंड भी कर सकते हैं। कूटने के बाद वो जो उसकी सफ़ेदी सी उसके बीजों की बन जाएगी, आपने उस बीज को पानी में मिला के किसी महलूल में मिला के आपने उस जो है ज़ख्म पर आपने रख देना है। वो भी क्या करेगी, वो आपकी जहर को उसी वक्त निकाल लेगी, चूस लेगी और ऑटोमेटिक ही गिर जाएगी। वो तरीका भी आपने 4 से 5 बार करना है। ये था इमली की गुठली से जहर को निकालने का तरीका। अब एक आखिरी तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली ऐसी बातें बताने का, आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आप अपनी और दूसरों की जान जो है बचा सकें। तो आखिरी तरीका जो वो है वो ये है कि आपने काला नमक लेना है, प्याज लेना है, काले नमक को आपने अच्छी तरह से किसी पत्थर पे, किसी कुंडी में या किसी ग्राइंडर वगैरह में पीस लेना है, और प्याज का पानी जो है प्याज को भी कूट लेना है, और दोनों का मिला के एक जो मटेरियल बनेगा आपने उस मटेरियल से अपने उस ज़ख्म की जो है वो मालिश करनी है। आपने वो मालिश जो है 10 से 15 मिनट तक करनी है। इससे क्या होगा कि उस मटेरियल से आपकी जो जिस्म में जहर होगी वो मटेरियल जहर निकाल लेगा, चूस लेगा, और आपको जो है वो राहत फील होगी दर्द से, पेन से, इस तरह आपकी जो है जान बच जाएगी। तो ये थे कुछ ऑथेंटिक से तरीके जिनसे आप अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसका या इसका किसी रिश्तेदार के अटैक का शिकार बनूँ, तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन एक और बात, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत सी अमेजिंग सी वीडियोस लाता रहूँगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत सारे एडवेंचर के साथ। तो देखते रहिएगा वाइल्ड रश। अब मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब ये मुझ पर नज़र आ रहा है कि ये मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो भाई सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो बाय बाय, टाटा।